Hello and welcome to Comedy Circus Ke Mahabali. माधुरी जी, हाय हाय. सच्ची बताइएगा, आपको यकीन नहीं होना कि आप कृष्णा से मिल रही हैं. कमाल की बात है माधुरी जी, मतलब मैंने आपको एक बार झलक में डांस करके क्या दिखा दिया, आप तो यहाँ तक आ गए जज करने के लिए. मतलब कृष्णा, अगर डॉक्टर ने दिमाग के डॉक्टर होते ना तो मैं आपका इलाज जरूर कराती हूँ उनसे. वैसे तो दुनिया पागल है आपके लिए, मैं भी आपके लिए बहुत बड़ा पागल हूँ. एक बार जोरदार ताली हो जाए माधुरी जी. देखिए, आपने चीची मामा के साथ इतने गाने किए, बिल्कुल मैं भी कम नहीं हूँ. मतलब ठीक है, तो एक गाना हो जाए आप. ओहो. क्यों? हाय भारती, कैसी हो? क्या हुआ? मैम, जब आपको पता है मैं मोटी हूँ, फिर हर शो में क्यों पूछती आप भारती कैसी हो, कैसी हो? नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी हो रही है तुम्हारी, मैं ऐसे थोड़ी बात बोलूंगी आपको. एक मिनट मैम. हाँ, मैंने आपके शो में आपको डांस करके क्या दिखा दिया, आप यहाँ तक आ गई मुझे जज करने. नहीं भारती, मैं यहाँ अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ, डेढ़ इश्किया. तो उसमें मुझे क्यों नहीं लिया आपने? तेरे को कैसे लेते, फिल्म में डेढ़ इश्किया, देखो तो पूरी की पूरी तीन इश्किया है. कैसे लेंगे? कृष्णा, ऐसे नहीं कहते, डेढ़ नहीं पूरी चार है भैया. मुझे मोटी बोला, मोटी कौन बोला? मोटी कौन बोला? मोटी मोटी किसने? ए मोटी पाले हंसता है. माधुरी जी, आप बाय गॉड की कसम, भारती सच्ची में माधुरी है यार. वैसे माधुरी जी, एक बार आपको झलक में मैंने अपना डांस क्या दिखा दिया, अब यहाँ तक आ गए जज करने के लिए. आप लोगों को हो क्या गया है? क्या हुआ? मैं यहाँ जज करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ. डेढ़ इश्किया, डेढ़ इश्किया. यार कृष्णा, डेढ़ इश्किया को प्रमोशन की जरूरत है? माधुरी जी की कोई फिल्म है उसे प्रमोशन की जरूरत नहीं, सुपर हिट होने वाली है. कृष्णा मंत्रा, एक बात कहूं यार? बोलना. विस्की तो विस्की होती है, होती है, लेकिन बियर इज ऑल्सो बियर. Hi boys. Hello जी. बियर तो बियर होती है जी, मगर बियर और देसी ठर्रे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता. Oh sorry. Actually, दोनों मेरे दीवाने हैं, मुझे बियर बोल रहे हैं. अबे अबे सुन सुन, तू वो वाली बियर नहीं है, तू जंगल का बियर है. बियर, बियर. तो मुझे हुमा से बात करने दो. हाय भारती. हुमा आपको पता है, oh, hi. हुमा आपको पता है कि आपको ये फिल्म क्यों मिली? नहीं क्यों? मेरी वजह से. आपकी वजह से? क्योंकि मैंने ये फिल्म छोड़ दी. प्लीज आप अपनी पूरी फैमिली आस पड़ोसियों को लेकर भी जाइएगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके बाय, पार्टी जाओ. ये चल रहे, जाओ भारती, जाओ चलकर. बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा माधुरी जी के साथ इस स्टेज पर खड़े होकर हम सभी के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है. सो थैंक यू. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. कोई डेढ़ इश्किया करना चाहता है माधुरी को किडनैप. कौन है वो, ये बताने आ रहे हैं भारती एज माधुरी एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स. सत श्री अकाल, की हाल चाल? ठीक, पंजाबी हो गई. वदिया जी, वदिया, क्या सुनाएंगी आप? आपके बाप की नौकर लगी हो क्या? मुझे पहचाना? सेम ड्रेस.
आप सबकी प्यारी सी माधुरी। हाय श्रुति, बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं आप। अब इस शो में मुझे आपको देने के लिए नंबर भी नहीं है। एक मिनट। मैं भूल ही गई थी, एक नंबर तो हमेशा मेरे पास रहता है। आपको देती हूँ मैं 6 नंबर। तो डॉक्टर साहब भी मेरे बिना रह नहीं पाते। हाँ जान, मिस यू टू बेबी। वाओ, कांग्रेचुलेशन, 12 नंबर पेशेंट ठीक हो गया। सो स्वीट, आपके हाथों में जादू है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। लेकिन मेरे पति को पैसा ही नहीं कमाना आता। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, 20-20 दिन डॉक्टर रख लेते हैं, ये उसी दिन ठीक करके भेज देते हैं। मैं इनको समझाती हूँ। हाँ जान, प्लीज वो 12 नंबर वाले पेशेंट को 2.5 दिन रोक ले और बिल ठोक ले। माधुरी दीक्षित आई है, दूध मलाई खाई है। मुबारक हो, आप किडनैप हो चुकी हैं। थैंक यू, आपको देती हूँ मैं परफेक्ट 10 नंबर। क्या सच में हम किडनैप हो चुके हैं? तेरी माँ की 2.5 आंख 2.5 तेरी माँ की 2.5 आंख 2.5 आंख। गाली नहीं देना। देखिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ, मेरे पति से बात कीजिए, वो पैसे आपके मुंह पे मारेंगे। एक मिनट, नाच के टाइम मत वेस्ट कीजिए, बात कीजिए। बेल बज रही है ना? अच्छा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बीवी मेरे कब्जे में है। हाँ अजीब है डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ आपकी बीवी मेरे कब्जे में है तो दोस्तों को चिल्ला रहे पार्टी पार्टी। मुझे एक बार यहाँ से छूटने दो डॉक्टर साहब, 2.5 मुक्के पीठ पे दे, पीठ पे दे। देखिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ? तो मेरे किसी भी हीरो को फोन कर दीजिए, अनिल को अभी के अभी फोन लगाइए, आपके पैसे मुंह पे मार के जाएंगे वो। उनका नाम नहीं लेना। क्यों? उसने इतना दुखी करा, एक बार पुलिस मेरे पीछे लग गई, मैं भाग के झाड़ी में छुप गई, बाहर निकली तो पता चला झाड़ी नहीं अनिल की छाती है। मैं बाहर निकली, मेरा हाथ फंस गया, मैं हाथ निकाला तो कहता गोंडिया झकास। अच्छा एक बात बताओ, फिल्म डेढ़ इश्किया में किसी ने अच्छा काम करा, तुमने या हुमा ने? ऑफ कोर्स हुमा, बताओ कि मैंने ही अच्छा काम किया। कक्का ये अकेका करती है। मैं माधुरी दीक्षित हूँ और कहीं भी कोई भी चैनल लगाएंगे मेरा ही गाना चल रहा होगा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घबरा। एक मिनट, भाग रहा तो देखो, हमारा फेमस हुआ था ब्रेकिंग न्यूज पे। क्यों? हमने पहना ही नहीं था। देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे बहुत सारे शोज में जाना है। देखो हाथ न जोड़ो, मैं बहुत गंदी लगान हूँ, तुम तो औरत हो, मर्दों के साथ तो मैंने वल्गर मौत मारी है। वो कैसे? कच्चे में बम फंसा देती हूँ। लेकिन शक्ति को नहीं मार पाई। क्यों? कच्चा पहनता ही नहीं, पहले बनाएगा। हमने कहा कच्चा पहनो, मुंह पे डाल दिया कच्चा। छोड़ो ना, वो तो पागल है। हाँ तो अपने मुंह पे डाले, पागल है तो साला हमारे मुंह पे क्या डाल रहा है? आप मेरे पति को एक बार फिर से फोन लगाइए, हाँ? तो कुछ तो गलत सुना होगा। हाँ अभी मिलाते। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी बीवी मेरे कब्जे में है। मैं कह रही हूँ आपकी बीवी मेरे कब्जे में, कह रहे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखिए, मैं माधुरी दीक्षित हूँ, अगर माधुरी दीक्षित को गुस्सा आता है तो आपको पता है कि माधुरी दीक्षित क्या करती है। क्या करती है? परफेक्ट डांस। तो करो, तो मजे वाली बात है। मार डाला। ए बुढ़िया, सच सच बताओ,
कि मेरा किडनैप किसने करवाया है? अब ये तो तभी पता चलेगा जब मैं अगले कैरेक्टर में नसीरुद्दीन शाह बन के आऊंगी, तो नसीर साहब ने किडनैप करवाया है ये बता के सस्पेंस तो खत्म करूंगी नहीं मैं, वो तो क्लाइमैक्स है। अभी जाते हो? नसीर साहब की इस हरकत के लिए मैं देती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कॉमेडी सर्कस में आके टेलीविजन की दो महान जज अर्चना और माधुरी एक साथ बैठी हैं। लेकिन अर्चना आज भी फेमस माधुरी है। एक्चुअली मेरी और अर्चना की काफी बातें बहुत मिलती जुलती है। मैंने बहुत काम किया है और अर्चना ने भी बहुत घर में टाइम बिताया है। लेकिन किसी भी फिल्म की मैं प्रमोशन करने जाती हूँ उसकी बात तो होती है, साथ में हम आपके कौन को बहुत याद किया जाता है। सब लोग मुझे कहते हैं माधुरी मैम बहुत अच्छी लगी, सलमान बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैम वो टफी दोबारा नहीं दिखा। आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे बताते हुए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा टफी आज इतने बड़े शो का एंकर है। जोरदार तालियां! वाह श्रुति, वैक्सिंग के बाद बिल्कुल नहीं पता चलता कि टफी तुम बनी थी। बस इब्ने बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर। अरबाज भाई नहीं नहीं आपकी नहीं कर रहा हूँ, मेरी है। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला के अलावा आज मैं माधुरी दीक्षित को मारना चाहता हूँ। क्या क्यों भैया? डेढ़ इश्किया फिल्म में मेरा मेन रोल है, उसमें डेढ़ मेरे होंट हैं, एक ये और एक ये। अच्छा तो आज दवाई का दवाई और कैप्सूल का कैप्सूल होके रहेगा। क्या मतलब है, कौन सी कहावत है ये? डॉक्टर की बीवी हूँ, हमारी कहावतें ऐसी होती है। देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्यों नहीं लेकर आई प्रमोशन में, यही बात का पंगा है। जानना चाहते क्यों नहीं लेकर आई? ओ रुकिए, इस वजह से। क्योंकि आपका डेब्यू अर्चना के साथ था। चलवा में कहा हीरो ने कि आओ रोमांस करते हैं, ये कुश्ती के लिए तैयार होगी। देखो सही बात है, पहले मेरा मुंह नॉर्मली बात करता था, मेरे मुंह पर डंबल मार के मुंह ऐसा कर दिया। डेढ़ इश्किया में मैंने माधुरी के साथ काम किया, विद्या बालन के साथ डर्टी पिक्चर में किया, लेकिन जलवा मुझे अर्चना ने दिखाया। प्रमोशन पे वही लोग आते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जैसे मैं, मेरी सुपर हिट एक्टिंग, मेरी सुपर हिट अदाएं और मेरा सुपर हिट डांस। बस डांस हमें भी आता है और बराबर आता है। इसी सब आप और डांस, डांस तो हम करके रहेंगे। नसीर साहब बस कीजिए। अरे नसीर साहब कुछ शर्म आनी चाहिए, आप कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? ओ हो, मात दे दी हम आपको। हेलो ओ बेटा, ये तेजाब जैसी आवाज में क्या पुकार रहा है मुझे? यही पुकार रहा हूं कि एक डर्टी पिक्चर के लिए मैं सरफरोश बना था, लेकिन ये मैं कोई मोहरा नहीं हूं। देखिए मुझे लगता है आप खलनायक बनना चाहते हैं। अगर आप खलनायक बने तो आपका अंजाम देवदास जैसा होगा, नहीं यकीन तो दिल से पूछ लीजिए क्योंकि दिल तो पागल है। वेडनेसडे से पूछता आ रहा हूं। आज तक कोई जवाब नहीं मिला, सोचा कोई चमत्कार होगा लेकिन जैकपॉट तक नहीं लगा। देखिए अगर आपने ऊंची आवाज से बात की ना तो मैं उड़ के लात आपके राम लखन पे मारूंगी। और आप किसी के साजन नहीं बन पाएंगे, फिर सबसे पूछते रहेंगे
हम आपके है कौन? बस बाकी की फिल्में ये लोग गूगल पर सर्च कर लेंगे. फिलहाल आप बताइए कॉमेडी सर्कस की माधुरी दीक्षित और नसीरुद्दीन कैसे लगे? तो क्या कहेंगे आप हमारे कॉमेडी सर्कस की माधुरी और नसीर के बारे में? वैसे आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, एक बार और दिखा दीजिए मुझे भारती जी. डिटो आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल. आई थिंक ये माधुरी ज्यादा सुपरहिट है. और नसीर साहब सिद्धार्थ, माय गॉड, आपने उनकी जो पेक्यूलियरिटीज हैं, जो उनकी बात करने की ढंग में, आपने उसको ज्यादा एग्जैजरेट करके इतना फनी बना दिया. इट वॉज सो गुड. आप दोनों की टाइमिंग और कहीं पता भी नहीं चला कि यू नो हाउ द टाइम जस्ट वेंट बाय. हम लोग बस हंस ही रहे थे और फैंटास्टिक. तो मैं कहूंगी परफेक्ट. सीरियसली व्हाट अ कपल सिद्धार्थ. बट आपने उनकी तरह डांस करना कैसे सीखा? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही डांस करते हैं. उनके हाथ में गमछा होता है तो ऐसे ही घुमा घुमा के डांस करते हैं. जैमी को उसके गांव में माधुरी कहकर पुकारा जाता है. और सिर्फ नाम की इस माधुरी के स्वयंवर में कौन कौन से डेढ़ इश्क आते हैं, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम जामी एज गांव की छोरी विद मंत्रा एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स. अरे मोहिनी, अरे पाइचान, तेरा मुन्ना आयला रे. अरे तू मेरे को छोड़ के चली गई. अरे तेरे को मालूम है तेरे साथ न जाने कितनी फिल्मों में विलन ने मेरी कितनी बजाई. कही तो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे, मरना काट डालूंगा अपने आप. अरे तेरे को क्या लगता था तू अमेरिका जाके बच जाएगी? मैं भी आया तेरे पीछे पीछे अमेरिका, हॉलीवुड फिल्में करी, फिर मालूम पड़ा तू यहाँ के टीवी कर रही है. मैं भी टीवी करने आया. 4-2 का 1, 1-2 का 4, टोटल 24, टोटल 24. और हुमा नहीं, वैसे हूं तो बाप, लेकिन हुमा. अरे माधुरी जी ने तो पहले ही हिंट दे दिया था कि वो 2013 में आएंगी. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. इनको था 13 का इंतजार. और मेरे फैंस भी कर रहे हैं मेरा इंतजार. मैं यहाँ पर अपना स्वयंवर रचाने आई हूँ. अरे तूने अगर अपनी फोटो किसी मैट्रिमोनी वेबसाइट पर भी डाली ना, लोग इंटरनेट पर जाना बंद कर देंगे. हाँ हाँ, पहचाना मुझे, मैं हूँ विनोद गन्ना. जानता हूँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आज मुझे यहाँ कॉमेडी करनी है या डांस करना है? अलग अलग शो के जजेस को यहाँ बैठा दिया, पता नहीं परफॉर्मेंस के बाद क्या सुनने को मिलेगा. माइंड ब्लोइंग या परफेक्ट? माइंड ब्लोइंग या परफेक्ट? या फिर मुबी. मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ. सुना है आजकल यहीं दिखता है. कैसा दिखता है आपका बेटा? एक मिनट बताता हूँ. माधुरी पहचाना? अभी बताता हूँ. Oh baby, don't break my heart. Oh my God,
जानता हूँ लगिया सावन की फिर वो झड़ी है, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, मोरल ऑफ द स्टोरी आशा छोटी और लता बड़ी है। जानता हूँ अरे क्या जानता हूँ किया जा रहा है या तू विनोद खन्ना या गूगल जो हर चीज जानता हूँ कर रहा है। अबे छावड़ी के बकवास बंद कर, अपनी सब जानता हूँ। अरे भाई तू अपना कैरेक्टर छोड़ गया, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं बताना चाह रहा था छावड़ी के कि ये कैरेक्टर भी मैं जानता हूँ। तुम यहाँ ऑडिशन देने आए हो या मुझसे शादी करने आए हो? हाँ हाँ, मम्मी ने कहा था लड़की से पूछ लेना, घर का काम आता है ना। ओह, तो कही ना अपनी माँ से कि मुझे खाना पकाना, बर्तन सफाई कराई, सब कुछ आता है। तो कल से आ जाओ काम पे। चुप करो, लड़की को प्रपोज भी नहीं करना आता। उमा, ये लड़कियों के इज्जत का सवाल है, जल्दी से मेरे को प्रपोज करो ताकि इसे मालूम पड़े लड़कियों को प्रपोज करना आता है। यूकि ज्यादा बात तो मैं करती नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे लायक हो नहीं। हाँ, सामने हुमा बैठी है तो हुमा की करना, हेमा की नकल काहे को निकाल रही है पगलोट। एनीवे, चलो मुझे प्रपोज करो। ओके, स्टार्ट। इश, ये किसकी है? तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। हाँ, आगे की लाइन कौन गाएगा साले? बेहद ओ बेताब आया है। हाँ, अरे लड़कियों के साथ डांस करते वक्त खंबे की तरह खड़े नहीं होना पड़ता, थोड़ा मूवमेंट लाना चाहिए। मेरे से सीख तू। कैदों के तुम होने निभाना, जीना नहीं तुझे है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना। बस करो, तुम दोनों नहीं हो मेरे लिए परफेक्ट, निकलो यहाँ से। विनोद भाई, हाँ, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, मोरल ऑफ द स्टोरी आशा छोटी और लता बड़ी है। ये दोनों तो गए, आखिरी बार पूछती हूँ, क्या सुनेंगे आप? अबे साले कुत्ते, आखिरी बार पूछ रही हूँ क्या सुनेगा? क्या सुनेगा बता? सुनीति चौहान। सुनीति, सुनीति अपनी माँ से जाकर सुन। सुनीति, आशा सुनना है तो बता। ठीक है, अपना घसा पीटा आशा सुना दो। इतनी वैरायटी करती हूँ फिर भी लोग आशा करवाते हो। माय गॉड, माधुरी फक्त तुमच्या साठी मेरा झुमका उठा के लाया यार वे। हा हा, है ना? क्या बात है, है ना? क्या बात? जो गिरा था बरेली के बाजार में, हा हा हा, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, क्योंकि मेरी उम्र में अच्छा नहीं लगता ना। बोली घूंघर बंधा के मैं आ गई। हाँ, मैं तो आशा कर रही थी कि आज वैलेंटाइंस डे पर 12 बजे के पहले मुझे मेरा हमसफर मिल जाएगा। मैं तुम लोगों का, जब तक ये ना करूं तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता हूं। वैसे राज नाम तो सुना ही होगा। राज क्या, रवि, सुरेश, बबलू, दीपक, सब सुन चुकी हूं, कुछ नया सुना। एक बात तुमको बता सकता हूं, मैं यहां पर तुम्हारे लिए नहीं, माया देखने आया हूँ। माया कहाँ है मेरी माया? नहीं आता मुझे माया, जाओ, वो है तुम्हारी माया,
जाओ। ओके। नहीं भाई, मैं तुमसे ही काम चला लूंगा। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना। अरे ऐसे ऐसे करके कितना कपड़ा नाप लेते हो तुम? कह दो कि जब मैं तुम्हें छूता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता। छुआ छूत में रखा ही क्या है, आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। डर के आगे तो सानी पाजी के लिए जीत थी, डर के आगे मेरे लिए तो DDLJ थी। कह दो सबको कि तुम्हें मुझसे प्यार है, इस बात का जवाब लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिक्योरिटी बुलाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात बन जाए, ऐसे मत कर। सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी के चक्कर में मेरे पहले ही वान खेड़े लगे हुए हैं। तो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम ही नहीं तो कहा था कि ऊपर वाले ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, तुम मेरे लिए बनी हो, मेरे लिए बनी हो, मेरे लिए। मुक्का मार के मोहिनी का जानी बना दिया बाबा। डॉक्टर, 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 देखिए ना मेरी मोहिनी बेहोश हो गई है। ओह एक मिनट, चेक कर लेता हूँ। okay, okay. ओह इनके लिए तो दवाई लिखनी पड़ेगी। ये okay. तो बहुत ज्यादा सीरियस है। एक सेकंड। हाँ बताइए। ये काम करो, ये जो मेडिकल स्टोर बंद होगा वहां से ले आना। पर अगर स्टोर बंद होगा तो मैं कैसे लाऊंगा? नहीं नहीं, जिस मेडिकल स्टोर का नाम बंद होगा, BAND बंद, ये आपको बंद स्टैंड में मिलेगा। बच्चा तो मैं जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। हेलो सुनिए, उठिए। गया। डॉक्टर, कुछ कुछ होता है डॉक्टर, तुम नहीं समझोगे। आराम से नहीं तो देने के देने पड़ जाएंगे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे बुद्ध, आप तो धड़कन सुना गए। अच्छा? डॉक्टर मेरी मांग भर दो डॉक्टर। मांग भरूं कैसे? टीका लगाकर डॉक्टर। कौन सा टीका, पोलियो का या हेपेटाइटिस का? सिंदूर का टीका डॉक्टर। अच्छा सिंदूर का, एक सेकंड। मोहिनी आपको कैसा लगा? इतनी सारी फिल्में, इतने सारे हीरोज उसमें, मतलब यू वर टेरिफिक एज एवरी हीरो दैट केम। मुबीन आपके जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे, हर डायलॉग में आप एक नया कैरेक्टर थे, बहुत टेरिफिक टाइमिंग चाहिए उसके लिए। एंड जेमी यूर ऑन फायर। मैंने आज तक कभी किसी को हीरोइंस की पैरोडी करते हुए नहीं देखा है, मैंने पहली बार देखा है, एंड इट्स वंडरफुल। बट आई वांट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपकी शादी ऐसे ही हुई थी जैसे ऐसे ही सिंदूर भरा था और ऐसे ही जयमाला की थी? स्टेथोस्कोप और इंजेक्शन। कुडोस टू हूएवर्स रिटन, थैंक यू, वेरी गुड, एंजॉयड इट। थैंक यू हुमा, यू गाइस आर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। थैंक्स हुमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू हुमा। चंद्रमुखी तो चली गई है अपने डॉक्टर नेने के पास, अब देवदास डालेगा या नहीं पारो का घास, चलिए देखते हैं। लव ट्रायंगल के पंगों से बिंगो यमी टोस्ट ब्रेक दिलाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज देवदास एंड बलराज एज पारो। आप सोच रहे होंगे कि देवदास होके मैंने सलमान भाई के गाने पे एंट्री क्यों ली। हाँ। लड़कियों के मामले में सलमान भाई मुझसे ज्यादा दुखी है। हुमा जी, जी मेरे पास पूरे 30 सेकेंड है, जितना फ्लर्ट करना कर लो, क्योंकि उसके बाद टोटली मैं माधुरी जी पे फोकस करूंगा। तो, अर्चना जी आप भी फैन है ना माधुरी मैम की? ऑफ कोर्स। सच बताइए दिल तो पागल है, कितनी बार देखी आपने? इसका जवाब चाहिए कौन सा जवाब था ताकि तुम्हारा वहां से जवाब आ सके? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप जो भी बोलो, आज पंच सारे तैयार हैं। एक बात और, DDLJ कितनी बार देखी? 50 बार। बिट्टू को देखने के लिए कोई भी फिल्म देखती है?
तेरा कार्डियो खत्म हो गया तो बता कौन है तू? देव बाबू मैं आपकी पारो। तो फिर एक शेर मारो। तेरा संग मरमर सा बदन तराशा है खुदा ने अकेले बैठकर। देव बाबू खुदा ने अकेले बैठ के क्यों तराशा? क्योंकि तेरा थोबड़ा दे के सारे कारीगर मना कर गए थे। इसलिए आपको मालूम है माधुरी मैम, खाना फ्रिज से बाहर 10 दिन रखो खराब नहीं होता, इसके मुंह में रखो 1 मिनट में खराब हो जाता है। पता इतना गंदा मुंह लेके आई है ये। मैंने अपनी पारों को दूरबीन से देखा नहाते हुए, सेम मेरी जैसी। दूरबीन मुझे गालियां निकाल रही है, कहती है हमारे मुंह में जुबान नहीं, इसका मतलब ये कुछ भी दिखाएगा हमें तो। आते ही फ्लर्ट चालू हो गया ना आपका मेरे साथ, बस इसी अदा पे मरता हूँ मैं तेरी। देर बाबू मरती नहीं है तू। अरे कितनी बार का जले हुए टायर मत खा के आया कर। देव बाबू, देव बाबू, ये मेरे पारों देख लो, टिप्स मार के मुझे हरा देती उसमें ये। आज अगर माधुरी मैम ना आई होती और इधर देवदास का सेटअप ना होता ना, तो मैंने घुटना मार के ना तेरा नाक तोड़ देना। हाय, आते ही रोमांटिक हो गए ना आप। देव बाबू शराब मत पिया करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर मैं नहीं पीता हूं तो तेरा थोबड़ा बर्दाश्त नहीं होता। इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो, चेन्नई एक्सप्रेस के गुंडे इससे ज्यादा सुंदर थे पता है। बस ऐसे ही मेरी तारीफें करके मुझे इंप्रेस करते रहा करो। देव बाबू वन मोर कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मैं बताता हूँ, ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, फेस पैक लगाती है, तो फेस पैक 1 घंटे बाद उतारो नीचे मूछें निकली होती हैं। वो बेचारे तंग आ जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमने ये फेस पैक लगाया था, इसके मुंह में खाद डाली थी। बकवास मत कर बेवड़े। अब इसके मुंह पे मूछें नहीं आती कि मैं भी रखनी बंद कर दूं, बताइए आप। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अर्चना जी इसको लेके मैं एक बार पैरा जंपिंग के लिए गई, ट्रेनर बोला जब आप आसमान से कूदेंगे तो 10 तक गिनना और पैराशूट खोल देना, ये बोला कितने गिनने हैं, वो बोली तू 2 ही गिनना जमीन आ जाएगी। बकवास नहीं कही है। मैं जानती हूँ देव बाबू, ये सब चंद्रमुखी का किया धरा है, इसी ने तुमको शराब की लत लगाई है। मैं एक बार इसके घर गई थी, मैंने कहा मेरा देवा लौटा दे, मुझे आगे से कहती देव मेरी चादर की सिलवटों में है, देव मेरे पर्दों की करवटों में है, ले जा सकती हो तो ले जाओ, मैंने कहा मैं देवा लेने आई हूँ, खटमल लेने नहीं आई। ऐसा क्या है उस चंद्रमुखी में जो मुझ में नहीं? कहा वो मिस इंडिया और कहा तू प्लंबर की लौंडिया। मैं जानती थी एक दिन मेरे हुस्न का कंपैरिजन माधुरी के साथ होगा ही होगा। तो जब मुस्कुराती हैं तो मोती बिखरते हैं, और जब तू मुस्कुराती है तो मोती भौंकते हैं, समझे? आपको क्या लगता है कि मैं आपके पीछे पागल हूं तो कोई मेरे पीछे पागल नहीं, नहीं है। बहुत रिश्ते आए थे मुझे, सलमान खान का रिश्ता आया था मेरे लिए, और सलमान खान ने तो हाँ भी कर दी थी देव बाबू, उनके घर वाले नहीं माने। क्यों? वो कहते इससे अच्छा सलमान शेरा से शादी कर ले। देव बाबू शादी कर लो मुझसे। नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी आगोश के साथ शादी कौन करेगा? तो देव बाबू ये हमारे गांव का लैंडमार्क है देव बाबू। वो कैसे? देव बाबू जब भी हमारे गांव में किसी को बस स्टैंड जाना होता है, वो बोलते हैं वो सामने ऊंचे टीले वाली औरत से लेफ्ट मारना, बस स्टैंड आ जाएगा। आज कोई शादी नहीं, शादी करूंगा तो सिर्फ चंद्रमुखी। वो चंद्रमुखी ऐसा क्या कर सकती है जो मैं नहीं कर सकती देव बाबू? अभी बताता हूँ। चंद्रमुखी इनकार मत करना, मैं जानता हूँ कि आज भी दुनिया की कोई हसीन से हसीन, ये तो गंदी है, कोई भी दुनिया की हसीन से हसीन औरत आज भी डोला रे डोला चंद्रमुखी से अच्छा नहीं कर सकती है। तो माधुरी आपको कैसा लगा? राजीव और बलराज आप दोनों की टाइमिंग इतनी टेरिफिक थी, आई रियली एंजॉयड इट। आप तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के क्या कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया है। आपकी वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 3 बच्चे 1 बीवी। नहीं बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड।
Wonderful performances, wonderful timing, and a very tight script. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for a lovely performance. Munia or Huma? Hey, Rajiv. Hi. Hey, Balraj. You both were too good. It's great being here. Thank you. Thank you. Please welcome Krishna as Doctor and Sudesh as various characters. माधुरी जी, जी मैं 10 रुपए दूंगा आपको पहचानिए इनमें से रेमो कौन है। क्या ताली का बजा रहे बे है? 1000 रुपए निकाल, 1000 रुपए, चलो 1000 निकालो। 1000 रुपए में तुमको स्वर्ग दिखा रहा हूं, और क्या चाहिए? क्या अर्चना जी भी बैठी है? तो साले 700 काट ले, 300 तो दे मेरे को। जज का बहुत प्रॉब्लम है इस शो में माधुरी जी। मेरे डांस को जज करने के लिए परफेक्ट जज आ गया। मैं तो कहता हूँ आप रेमो और करण को भी ले आइए। हाँ। मेरा करियर परफेक्ट हो जाएगा। रेमो कहता रहता ना, दिस इज इट, दिस इज इट। हमारे शो में भी है, दिस इज इट, दिस इज इट, ईट, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप। खैर माधुरी जी, क्या सफर रहा आपका हिंदुस्तान से अमेरिका तक, मिसल पाव से मिशेल ओबामा तक। उमा जी, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से माधुरी जी की बातें किए जा रहा हूँ, आपकी मैंने बात नहीं की। वो क्या है ना, पहले इधर उधर की बातें हो जानी चाहिए, फिर बंदा अपने दिल की बात करता है। भाई सोच लीजिए आपके ऊपर है, मतलब कृष्णा कुरेशी। कैसा साउंड करता है? या फिर हुमा शर्मा। हुमा शर्मा मामा। जब लड़की की बात हो, मेरा मामा क्यों बीच में आ जाता है? इतनी प्रॉब्लम है। बात करते हैं अर्चना जी। ओह नो प्लीज। अब आपकी क्या बात कर रही है, इनकी बात परमीत जी नहीं करते, हम काय को करें। लेकिन फिर भी अर्चना जी की बात, अर्चना जी शो का दीपक है। जब ये दीपक जलता है तब हम प्रज्वलित होते हैं। आई लव यू अर्चना जी, जोरदार तालियां। जहां पर दीपक की बात आती है फिर माचिस खुद ब खुद आ जाती है। ये हमारे शो की माचिस। इधर की बातें उधर करना, चैनल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू चैनल। बहुत तरक्की की है इन्होंने अपनी लाइफ में। पहले मुश्ताक और रजाक जैसे लोग इनको डेट पे ले जाया करते थे, लेकिन आज किस्मत देखिए, अरबाज खान जैसे लोगों से ये ना सुन रही है। कुछ नहीं होने वाला तेरा। माधुरी जी, आपने एक और चीज सुनी होगी कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। इस बात को बहुत लोग नहीं मानते अरबाज भाई के अलावा। ये इतने सीरियस रहते हैं, मैं क्या बताऊं कि हमारा करियर आईसीयू में चला गया है। बोल बच्चन करने के बाद भी अभी किसी डायरेक्टर के पास जाता हूं तो कहता आई विल सी यू, आई विल सी यू। खैर माधुरी जी, आपने शादी कर ली। मैं इतना लेट डॉक्टर बनाऊ क्या बताऊं मैं आपको। एक्चुअली मैं हूं डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर है। बड़े बड़े लोगों का ऑपरेशन किया मैंने। श्रुति भी मेरे पास आई थी। कहने लगी मेरी टांगों में प्रॉब्लम है। मैंने कहा अपनी टांगे दिखाओ। कहती अगर आपने मेरी टांगे देख ली तो आपको हंसी आ जाएगी। मैंने कहा अगर हंसी आ गई तो तेरी आधी फीस माफ। मैंने इसकी टांगे देखी अर्चना जी, माचिस की तिल्ली जैसी पतली पतली टांगे देखकर सच में मेरी हंसी निकल गई। लेकिन मैंने कहा भैया तेरे को बता प्रॉब्लम क्या है, यदि प्रॉब्लम बताऊंगी तो और जोर से हंसी आएगी। मैंने कहा और जोर से हंसी आई तो पूरी फीस माफ, तेरी प्रॉब्लम क्या? कहती मेरी टांगे सूजी हुई हैं। इसको नंबर भी दे दो, एक्ट खत्म हो गया। इसको तो पता ही नहीं बंदा पीछे खड़ा है, उसने भी कुछ बोलना है, अकेले लगा हुआ है, मैं समझता नहीं। पहले बेल बजा के आया कर अंदर। सॉरी मैं भूल गया। बेल बजानी चाहिए। आगे आगे। हाँ बताओ क्या काम है, किससे मिलना है? सर वो डॉक्टर डॉली मुखर्जी। हाँ मैं ही हूँ डॉली मुखर्जी। आप? हाँ डॉली 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 डॉली। पहले जब छोटा छोटा स्कर्ट पहन लूँ तो मैं डॉली मुखर्जी लगता हूँ। वो पैंट में ना फिर मुखर्जी छुप जाती है ना, तो प्रॉब्लम होती है।
खैर ये सब बातें छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना थोड़ा धुंधला दिखता है। अच्छा, अभी मैं अंदर आया तो मैंने सोचा अर्चना जी बैठी होंगी, वो हुमा कुरैशी जी लग रही है मेरे को। अर्चना जी वो हुमा कुरैशी ही है तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है। अभी थोड़ी देर में बोलेगा उनके साथ माधुरी दीक्षित जी बैठे, मैं मान जाऊंगा? बेवकूफ बना रहा है। सारे गौर से देख, माधुरी जी भी बैठी है। मेरा दिल भी। प्रॉब्लम सर ये है, छोड़ो अब बाकी बातें, बीमारियां बाद में। माधुरी दीक्षित जी छोटी सी शादी हो सकती मेरी? नॉट पॉसिबल। हुमा जी से करवा दो। नॉट पॉसिबल। अर्चना जी से कर ले। नॉट पॉसिबल। सात जन्मों तक नॉट पॉसिबल। मर जाऊंगा जिंदगी में, मार कर क्या? बच्चों की तरह रो रहा है तू? हाँ याद आया बच्चों से, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बच्चा पैदा होने वाला आज। अच्छा बच्चा पैदा होने वाला है तो डॉक्टर साहब, पहले मेरी याद नहीं आती किसी को। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, मुझे क्या पता कि आप भैंसों के भी शौकीन हैं। मेरी, अबे मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं इंसानों का डॉक्टर हूँ, तो मेरा इलाज कर दो। क्या प्रॉब्लम है? सर मैं तो मरने वाला था। अच्छा, ये तो लाख लाख शुक्र है। अरे सही बात है, भगवान का लाख लाख शुक्र करना चाहिए। नहीं नहीं मैं बीमारी बता रहा हूँ, लाख बार शुगर हो चुकी मेरे को तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अरे बकवास कर रहा, कुछ नहीं होने वाला तेरा। कुछ नहीं होने वाला मेरा, मेरे को जलन यहाँ पे बहुत होती है जलन। तो एक्सरे निकालते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं एक्सरे है मेरे पास, मैं साथ लेके आया हूँ, आजकल डॉक्टर नकली पता नहीं क्या हो जाए। अबे साले ये फिल्म की रील है। हाँ जी जयहो फिल्म, मेरी जयहो फिल्म आ रही, सारा काम सलमान खान का, मेरे छोटे छोटे दो तीन सीन रखे सर, इनका रोल काट दो, मुझे जलन होती है, मुझे जलन होती देख देख के। काट तो देते लेकिन इसमें तो सलमान भाई है ही नहीं। एक मिनट। हाँ ओहो हो, अरमान की आ गई, खाली है ये। हाँ तो वो भी तो खाली है सर। आप सोचो सर, डॉक्टर साहब थोड़ा सा डांस दिखा दो, मजा आ जाएगा। तू क्या अपने आप को सुपर स्टार माधुरी दीक्षित जी समझता है, जो एक डॉक्टर साहब को नचाएगा तू अपनी उंगलियों पे? अब मेरे को अगर कुछ मारा थप्पड़, ये क्या ईंट रखी है आपने? ईंट मेरे को मारोगे? अगर आपने मेरे को ईंट मारी तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, क्योंकि मेरे को पत्थरी इधर से निकाल के तेरे बस्ते पे। अबे पत्थरी है तो बोलना, ऑपरेशन करना पड़ेगा तेरा। ऑपरेशन? हाँ एक मिनट, तेरा पेट एक मिनट फाड़ते। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाय। अच्छा सुन, हाँ? ये ऑपरेशन का कम से कम नहीं तो लाख रुपया लगेगा। लाख रुपये? अबे क्या कर रहा है? लाख रुपया? हाँ। कितना टाइम लगेगा? दो घंटा। दो घंटे में लाख रुपया कमा लेते हो? हाँ। तुमसे अच्छा मैं हूँ, मैं 20 मिनट स्टेज पे जाता हूँ, स्टैंड अप करता हूँ, 5 लाख ले रहा हूँ सर मैं अकेला। साले बकवास बंद कर, ये तो ऐसे खुला का खुला छोड़ दूंगा तेरा पेट में। मेरे को 5 लाख रुपया दे, नहीं तो फिर देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? हेलो पुलिस स्टेशन, एक बंदे ने मेरा पेट फाड़ दिया। अबे सुन ऐसा मत कर, ये ले 5 लाख रुपया रख ले। रख ले। ये साला स्टैंड अप कर रहा था, किसी ने ₹1,000 नहीं दिया, देखो मैं 5 लाख रुपया कमा के जा रहा हूँ, मेरा काम तो बन गया, तेरी औकात क्या है? अबे सुन तेरा काम तो बन गया लेकिन मेरे काम का क्या होगा? तेरा काम मैं बनाता हूँ यार, तू मेरा जोड़ीदार है। देख आता हूँ मैं। शर्मा यार टफी ने भी चिट्ठी दी थी ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है माधुरी जी, प्लीज कर दो ठीक। क्या लिखा है? सॉरी कृष्णा, मुझे लहरी ज्यादा पसंद है। आई लव यू सुदेश लहरी। तो माधुरी आपने अपने इश्क का इजहार तो कर दिया, अब हमें बताइए कि आपको एक्ट कैसा लगा? डेढ़ इश्क हो गया। बहुत मजा आया कृष्णा और सुदेश, वेरी वेल डन, आई एंजॉयड इट थरली, ब्यूटीफुल। थैंक यू। हुमा आपने डिसाइड किया कि इज इट गोइंग टू बी कृष्णा कुरैशी और इज इट गोइंग टू बी हुमा शर्मा? मेरा बाप कसाई है।